नेपाल की पहाड़ियों पर बीते दिनों से लगातार हुई बारिश के बाद लगातार नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ और उसकी दुश्वारियां जो है ग्रामीण इलाके के लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस वक्त कुशीनगर में हम हैं और कुशीनगर का ये भगवानपुर गांव है और मुसहर बस्ती में इस वक्त हम मौजूद हैं। हर तरफ जिधर भी आपकी नज़र जाएगी पानी ही पानी नज़र आएगा। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा एक बार इधर की तस्वीरें दिखाएँ कि किस तरीके से जो भी झोपड़ी जो मकान है वो पूरी तरीके से पानी में जो है डूब चुका है और लोग मचान बना करके ऊपर जो है किसी तरीके से शरण लिए हुए हैं। इस वक्त पूरी तरीके से जो है जल भराव का आलम है और किसी तरीके से लोग जो है मचानों के ऊपर जो है शरण लिए हुए हैं। तमाम तरीके की दुश्वारियां हैं। बीती रात से जो इनके घरों में चूल्हे हैं वो भी नहीं जले हैं और भूखे प्यासे ये लोग जो है किसी तरीके से जो बाढ़ का पानी आया है उसका सामना कर रहे हैं। फिलहाल जो है वाल्मीकि नगर बैराज की अगर हम बात करें तो वहाँ से 5,29,000 क्यूसेक पानी जो है सुबह 6 बजे के करीब जो है डिस्चार्ज हुआ है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं कल से ही एक तरीके से बाढ़ का जो आलम है वो लगातार कुशीनगर ज़िले में भी देखने को मिल रहा है। दर्जनों गांव जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुशीनगर से में बाढ़ से प्रभावित है। शिवपुर, मरचहवा, बसंतपुर आदि गांव भी जो है नदी पार का लगातार बाढ़ से जो है ग्रसित है। फिलहाल जो है वहां पर प्रशासनिक टीमें लगातार पहुंची हुई थी और लोगों को ऊंचे स्थानों पर जो है ले जाया गया और उनके लिए तमाम तरीके की जो है व्यवस्थाएं की गई, लेकिन इस वक्त भगवानपुर गाँव में हम मौजूद है जहाँ पर बाढ़ का जो पानी है वो पूरी तरीके से पहुँच चुका है। पानी तो कई हमेशा कई क्या करावे पानी पूरा घर में डूब गई बा, चाहुआ चापरन के खाना रसोई सब लकड़ी लौना दही गई एनी बेरा लगनी खाना नहीं बना। कोई अधिकारी के हुआ एनी बेरा कहाँ के अधिकारी आया लाया गया हाँ कुसमावती। हाँ, लगातार बारिश हुई है, पूरा पानी लग चुका है, किस तरीके से आप लोग रह रहे हैं, कितना जीवन प्रभावित हुआ है? देखिए ग्राम सभा भगवानपुर में हमारे ये रात 3 बजे से ही बारिश का ये जो नदी का पानी बढ़ा है उससे पूरा जल जमा हो गया है। घर में खाना वगैरह कुछ नहीं बन पाया है। रात से ही बहुत लोग सारे लोग जो है भूखे हैं और बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तमाम जो भी गाय भैंस चौवा चापर जो भी लोग हैं उनका बड़ी समस्या है, लेकिन अब उसी में अपना जीवन यापन किया जा रहा है। क्या करें, कोई मार्कंडेगिरी से इतना ज़्यादा हुआ कि बाढ़ आ गया और घर घर में पानी मतलब ढूँ जाने के बाद वो खाना वगैरह बनाने के लिए दिक्कत है और सभी आदमी परेशान है यहाँ। और जो भी है वो आदमी पानी में डूब रहे हैं, भैंस चौवा सब डूब रहे हैं इसमें। ये पानी बना बीती नहीं कहाँ बन रहा है, सबका कोई पानी की वजह से खाना नहीं बन रहा है। क्या नाम है? स्वामीनाथ भारती। बहुत दिक्कत परेशानी बा, खैले बिना इतनी बड़ा हमनिक बानी जा रहा तीय से बहुत हमनिक दिक्कत में बानी जा। लड़का से आन चौवा चापर सब वैसे पानी में घूमत आने आ पूरा घर में पानी ढूक गई बा। खाना के हमनिक बहुत दिक्कत हो गई बा, भी दिक्कत हो गई बा। एगो अधिकारी नहीं खे भी नहीं आई अच्छा नहीं बा, रहले के खैले के चौवा चापर आदमी सब परेशानी बा। खैले बिना आदमी मरत आ पानी भर छाती भर ठेहुना घर में ढुक गई बा। हमनी के का खाइल जाई, कैसे खाइल जाई, सब चीज के परेशानी बा। खैले बिना इतर मरल जाई हमनी गरीब मनाई। तार बाढ़ का जो पानी है वो गांव में पहुंच रहा है, कितनी दिक्कतें कितनी दुश्वारियां हो रही हैं? हमारे ग्राम सभा भगवानपुर में रात के करीब 12 बजे से बाढ़ का नेपाल से पानी आया, जो पानी बढ़ रहा है अभी तक मतलब गांव में अभी तक लोग कोई खाना नहीं बनाया। तब गाय भैंस सब लोग ऊपर ले जा रहे हैं बांध बांधने के लिए। अब बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं, लोगों को दिक्कत हो रहा है क्रिया कलाप करने में और बाढ़ का पानी बार बार एकदम हमेशा बढ़ता ही जा रहा है अभी। क्या नाम है? ग्राम प्रधान रवि चौरसिया। तो ये हालात कुशीनगर के भगवानपुर गांव का हम दिखा रहे थे, ग्राउंड जीरो से इस वक्त हम मौजूद थे और हमने दिखाया कि किस तरीके से जो बाढ़ से जो है ये लोग जो है किस तरीके से प्रभावित हैं। हर तरफ जो मकान है वो डूब चुके हैं, बंधे की तरफ कुछ लोग जो है शरण ले रहे हैं और बीती रात से जो इनके चूल्हे हैं वो नहीं जले, यानी कि ये लोग जो है बीती रात से ही कहीं ना कहीं भूखे हैं और अब तक जो है प्रशासनिक टीमें इस गाँव में भगवानपुर में जो है नहीं पहुँच पाई हैं। कुशीनगर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनुराग तिवारी।